हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको ले चलते हैं पथरिया। पथरिया है दमोह ज़िले की एक तहसील है। पथरिया पथरिया से 3-4 किलोमीटर दूर है विरागुदय। विरागुदय जैनों का तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ जैनों के जैन धर्म है, जो उनके रथ चलना है, ये उनका एक महोत्सव टाइप का होता है। यहाँ पर बहुत मुनि महाराज आए हुए हैं और माता जी, और जो वाइट कलर की साड़ियाँ पहने हुए हैं, ये माता जी हैं जो साध्वी हैं, और ये साधु संत यहाँ विदाउट कपड़े के रहते हैं। ये काफ़ी तप करते हैं, सोते भी हैं तो चटाई पर सोते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये तप करते हैं। इनका बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत ही संयम वाला तप होता है। तो आगे ये देखिए, मंदिर है जैन धर्म को मानने वाले लोगों का, तो ये अधूरा है, अभी पूरा नहीं बना है। तो हम आपको भोजनशाला ले चलते हैं। यहाँ इंद्र इंद्राणी का भोजन होता है। इंद्र इंद्राणी जैन धर्म में बनते हैं, जो रथों की कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये मेन भोजनशाला आ गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो इस भोजनशाला में हम लोग, यहाँ मेन भोजनशाला आ गई है, यहाँ से कूपन लेना पड़ेगा। तो ये कूपन कितने का आता है? 50 रुपए का। 50 का सभी के लिए है? कोई भी धर्म नहीं, इसमें फ्री है। स्टाफ वालों को फ्री है, जैसे पुलिस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, कर्मचारी लोग हो गए, उनके लिए फ्री है। और जो अपने सेवा दल वगैरह है, महिला मंडल है, उनके लिए सबको फ्री है। और यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं? हाँ, कोई भी धर्म के, सभी धर्म के लोग आएंगे। बिल्कुल जी, अपना नाम बता देंगे क्या? दिनेश फुसकेली बोल रहा हूँ। ये दिनेश फुसकेली जी हैं, जो इन्होंने बताया कि यहाँ सभी धर्म के लोग आ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। 50 रुपये का कूपन है। बाहर जूता चप्पल उतारना पड़ता है भोजनशाला में। तो अंदर हम लोग जाएंगे और खाना देखेंगे। यहाँ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट रहता है, बिना प्याज लहसुन आलू भी यूज़ नहीं होता है। जैन धर्म में आलू अदरक ये जितने भी रूट्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो खाते नहीं हैं उनके में। तो ये यहाँ पे देखिए, खाने को देखते हैं। नींबू का अचार, नमक है, ये थोड़ा सा देना, लौकी है, चलो दाल। तो ये है दाल, और यहाँ का खाना देखिए आप लोग, बड़ा ही अच्छा खाना, व्यवस्था बड़ी अच्छी की गई है खाने की। चावल है, ये थाली लग चुकी है। थाली तो दिखाइए आप, थाली दिखाई ही नहीं। ये क्या है? ये नमकीन है, गाठी है बेसन के। तो ये गुलाब जामुन भी है। जैनों का खाना बड़ा सात्विक होता है, माना जाता है कि बड़ा शुद्ध भोजन। ये घेवर है, और ये आ गया पापड़, जो खाने का एक अहम हिस्सा होता है। पूरियां हैं और रोटियां भी हैं ऑप्शन में। तो अगर आप पूरियां खाना चाहें तो पूरियां खा सकते हैं, रोटी खाना चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं। तो यहाँ व्यवस्था में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था को नीचे बैठकर लोग खा रहे हैं। तो ये भोजनशाला आप लोगों को कैसी लगी? जैनों का धर्म आपको कैसा लगता है तो कमेंट्स करके बताएं, और बताएं वीडियो कैसा लगा है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।